करनाल की, जहां सीएम सिटी करनाल में लूट डकैती स्नैचिंग व घरों में चोरी करने वाले गैंग के 3 बदमाशों को थाना सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी हां, पुलिस पूछताछ के दौरान पकड़े गए 3 आरोपियों से 10 मामलों का खुलासा हुआ है। बीते दिनों सदर बाजार पुलिस चौकी के नजदीक दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के घर में डकैती की वारदात को भी इन्हीं बदमाशों ने अंजाम दिया था। जी हां, थाना सिटी इंचार्ज हरजिंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि करीब 10 दिन पहले दिन दहाड़े सदर बाजार में महिला के घर से डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद से लगातार पुलिस की कई टीमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए काम कर रही थी, जिन्हें कल करनाल के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े 3 आरोपी से 3 चोरी बाइक, चांदी सिक्के, सोने के आभूषण व 5,000 की नकदी बरामद की गई है। पकड़े गए अभी आरोपी करनाल के रहने वाले हैं, जिन्हें आज कोर्ट पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। करीब आज से 10-15 दिन एक वारदात हुई थी, जो कि सदर बाजार में एक लेडीज के घर जाकर इन्होंने डकैती की थी, और लेडीज की बाड़ियाँ वगैरह और सोना वगैरह जिन्हें देखते हुए हमारी टीम उसी दिन से रेगुलर एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कर रही थी। जो कि हमारी टीम ने मिलकर 3 लड़कों को अरेस्ट किया है, और जिन्होंने वो वारदात कबूल की है कि लेडीज में घर जाकर लूट की थी, उसकी बाड़ियाँ, सोना चांदी और जो भी उससे लिया था सब कुछ रिकवर हुआ है। उसके अलावा अभी तक इन्होंने पूछताछ हमारे पास रिमांड पे चल रहे हैं, जो कि पूछताछ में करीब 9 से 10 वारदातें मानी हैं, जिनमें इनकी लूट, डकैती, चोरी, स्नैचिंग और अवैध वसूली सब प्रकार की वारदातें थी, जो अभी रिमांड पर चल रहे हैं। इनसे पूछताछ चलेगी और भी वारदातें खोलने की सुबह। इनसे करीब 3 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है, और इसके अलावा जो इन्होंने घर में डकैती की थी उसमें अभी सोना, चांदी और चांदी की मूर्ति वगैरह और मोबाइल फ़ोन जो स्नैचिंग किए हैं, पर्स स्नैच किए हुए हैं और उनकी आईडीज वगैरह और जो अवैध वसूली करीब 5,000 के करीब इनमें से नकद राशि बरामद। ये 3 लड़के बरामद हुए हैं, 3 लड़के अरेस्ट हुए हैं। इनसे ये जो बरामदगी हुई है आज रिमांड पर थे, इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, आगे भी रिमांड लिया जाएगा और इनकी और भी खुलासे किए जाएंगे। बिल्कुल करनाल के लोकल रहने वाले हैं, 2 अर्जुन गेट के हैं, 1 जाटो गेट का है। इनमें से एक गुरमीत उर्फ पोरी जिन्हें जिसका नाम शम्मी है, जो कि अर्जुन गेट का रहने वाला है। साहिल पुत्र अशोक ये भी अर्जुन गेट का रहने वाला है, और इसके अलावा विनय पुत्र करम सिंह जोगी जो कि जाटो गेट का रहने वाला है। हाँ बिल्कुल, डकैती है जो भी लास्ट में एक पल्सर बाइक पे हुई थी, जो काफ़ी मामला से 10 दिन पहले हाईलाइटेड गया था, उस मामले में उसी दिन से पुलिस ने इनकी पूछताछ और उनकी इनके संगे के उराद इनके पीछे लगे हुए थे, जो कि आज से 2 दिन पहले इन्हें अरेस्ट कर लिया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।